भाई भोजपुरिया तड़का इससे पहले भी द कपिल शर्मा शो में लग चुका है और तब भी इस शो की टीआरपी बहुत हाई थी और अब भी इस शो की टीआरपी बहुत हाई होने वाली है। भाई अब आप 29 दिसंबर को रात 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे ये शो देख सकते हैं सोनी टीवी पर। और अब चलते हैं हम आपको ये बताने, 29 तारीख यानी रविवार के दिन आप अपने परिवार के साथ बैठ के भोजपुरिया तड़का देख सकते हैं द कपिल शर्मा शो पर। तो भाई आपको ये बता दें कि क्या खास होने वाला है, क्या रोचक बातें हुई। जब द कपिल शर्मा शो पर कपिल शर्मा ने पवन सिंह से ये कहा कि भाई सुना है आप बहुत डरते हैं हवाई यात्रा करने में और आप अपने पास एयर हॉस्टेस को लेकर बैठते हैं, तब कपिल शर्मा से पवन सिंह ने अपने इस डर का खुलासा करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने साथ एयर हॉस्टेस तो लेकर नहीं बैठता लेकिन अपने साथ 4-5 लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तब कपिल शर्मा ने बड़े मजाकिया अंदाज में पवन सिंह से ये कहा, तो इसका मतलब आप ये सोचते हैं मरूँ तो 4-5 को साथ लेकर मरूँ। इस पर पवन सिंह की हंसी छूट गई और सभी हंसने लगे। फिर यहाँ पवन सिंह के लॉलीपॉप गाने को लेकर हिस्ट्री पूछी गई, भाई ये गाना क्या आपको लगा था कि इतने बेहतरीन और इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा? तब पवन सिंह ने कहा था कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे रिकॉर्ड करने के बाद आप ये समझ जाते हैं कि ये बड़ा ही अपीलिंग होगा, ये सुपर हिट होगा ही होगा, लेकिन आप इसका अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते कि ये कितना ज़बरदस्त हिट होगा। लॉलीपॉप को लेकर ये तो पता था कि ये हिट होगा लेकिन इतना लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोगों को इतना पसंद आएगा ये पता नहीं था। खैर आगे क्या बात हुई, आगे ये बात हुई कि पवन सिंह अपनी फिल्में किस हिसाब से करते हैं, क्योंकि उनके फिल्मों के नाम सनी देओल की फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर हैं। तब पवन सिंह ने ये बताया कि वो सनी देओल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्हें अच्छा लगता है एक्शन से भरी फिल्में करना, इसलिए वो ज़्यादातर एक्शन जॉनर में जाते हैं। यहाँ पर पवन सिंह ने खुले तौर पर कहा कि कॉमेडी करने में उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और डांस करने में भी उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी कि यहाँ अब आप ये समझ जाएंगे कि कॉमेडी और डांस में थोड़े पवन सिंह के हाथ तंग हैं। फिर पवन सिंह से कपिल शर्मा ने ये पूछा कि लगातार भोजपुरी में सभी एक ही हीरोइनों के साथ क्यों काम करते हैं। आम्रपाली की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि आम्रपाली आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं या निरहुआ इंडस्ट्री में? तब पवन सिंह ने इसके बारे में भी कपिल शर्मा को अवेयर किया कि हमारी जो ऑडियंस है, एक बार जिसके साथ पेयर बन जाता है उसे ही हमारी पत्नी समझने लगते हैं और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी और हीरोइन के साथ काम करें, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी ऑडियंस भी अब समझदार हो रही है, इसलिए बीते कुछ सालों में हमने अलग अलग हीरोइनों के साथ काम किया और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। यहाँ पर कपिल शर्मा ने पवन सिंह से ये भी पूछ लिया लगे हाथ कि आपकी फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन है? तब पवन सिंह ने ये कहा कि मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा लेकिन मुझे काजल राघवानी से लेकर भोजपुरी की तकरीबन सभी बड़ी हीरोइनों के साथ और अभी जो नई हीरोइनें आ रही हैं सभी के साथ काम करना अच्छा लगता है और मैं जब किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ तो उसे पूरी तरह से ये फ्रीडम देता हूँ कि वो अपने एक्टिंग स्किल को पूरी तरह से निखारे। यहाँ कपिल शर्मा शो में पवन सिंह ने अपने स्ट्रगल के दिनों को भी साझा किया और साथ ही साथ निरहुआ को यहाँ फिर उन्होंने अपने बड़े भाई का दर्जा दिया और मनोज तिवारी के बारे में बातें करते हुए यहाँ पर पवन सिंह ने ये कहा कि जब भी वो मनोज तिवारी से मिलते हैं, अपने बड़े भाई से मिलते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, उनके साथ गानों की जुगलबंदी उन्हें बहुत पसंद है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने पवन सिंह को पहली बार इतना हंसते हुए देखा होगा, पवन सिंह ज़्यादातर सीरियस मूड में रहते हैं। यहाँ पर पवन सिंह को भोजपुरिया सलमान खान भी कहा गया, तो पवन सिंह ने ये कहा कि सलमान खान की एक अलग जगह है, वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हम एक क्षेत्रीय भाषा के सुपरस्टार हैं, वो तो पूरे भारत में जाने जाते हैं, विदेशों में जाने जाते हैं, उनसे मेरा कोई कंपेयर नहीं है। हाँ लेकिन जो करते हैं मेरा कंपेयर उनसे, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, ये उनका प्यार है।
भाई इतनी दरिया दिली तो आपने शायद ही किसी में देखी होगी। जो लोग पवन सिंह को ये कहते हैं वो घमंडी हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह को औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आप द कपिल शर्मा शो, जहाँ पर पवन सिंह ने अपने आप को खुली किताब की तरह खोल के रखा है। क्योंकि भोजपुरी में अगर किसी को सबसे घमंडी स्टार कहा जाता है तो वो कोई और नहीं पवन सिंह है। अगर भोजपुरी में सबसे बिगड़ैल स्टार किसी को कहा जाता है तो वो कोई और नहीं पवन सिंह है। लेकिन जब आप ये पूरा शो देखेंगे तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि पवन सिंह बिल्कुल भी वैसे नहीं है जिस तरह से उनके बारे में बातें की जाती हैं। खैर, हम यहाँ पवन सिंह का गुणगान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि पवन सिंह को लेकर जितनी भी बातें मीडिया में कही जाती हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री में कही जाती हैं, ये सारी बातें इस बार द कपिल शर्मा शो में ज़रूर उठाई जा रही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।